इस वक्त मॉनसून के बारिशों के बाद की क्या सूरत हाल है यहाँ पर सिंध के अंदर, खासकर मंजूर सिंध की अगर हम बात कर लें तो मॉनसून के एक बूंद पड़ते ही यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आवाम को जो तकलीफ होती है वो होती है लोड शेडिंग की। ये सूरत हाल सांगड़ के नहीं बल्कि पूरे सिंध के अंदर जहाँ जहाँ पर इस वक्त बारिशें हो रही हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है, वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है तो लोड शेडिंग की वजह से। महंगाई की सूरत हाल भी सबके सामने है, ईद बिल्कुल करीब है और ये तमाम जो चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आवाम आज भी सफ़र कर रही है, ख्वाह वो किसी की हुकूमत हो, महंगाई का जो दिन है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। दूसरी जानब सिंध के अंदर गुज़िश्ता 13 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, यहाँ पर किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ जिस दिनों हमने कल्चर डिपार्टमेंट का वो प्रोजेक्ट भी दिखाया जो पीपल्स पार्टी की शहीद रानी मोहतरमा बेनज भट्टो के नाम से बना, इस पर 55 मिलियन रुपए खर्च होने के बावजूद वो ठेकेदार था वो लेकर चला गया और वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के जाले बहुत बात करते हैं लेकिन उनके प्रोजेक्ट को देखने बहुत पता चलता है कि वो कितने अपने रहबर के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ सच्चे हैं, किस तरह से वो सिंध के साथ सच्चे हैं, किस तरह वो सिंध के प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज हम एक और नए प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं, ये भी अजीब कहानी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो यकीनी तौर पर मीडिया टॉप में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हकीकत को अगर देखा जाए तो वो आईना दिखाने के बराबर ये चीज़ें हैं। सांगड़ के अंदर जो पीपल्स पार्टी के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट है उनमें से एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सांगड़ के करीब जो ये प्रोजेक्ट था, जो इसका इब्तदा तो पहले जादव मंगलो ने किया था, जो कि वर्षा रोड पर उन्होंने किया था, उस प्रोजेक्ट का इब्तदा किया था, वहाँ बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए थे कि यहाँ पर नारा केनाल के करीब ही उस पर पुल के साथ ही वो बनाया गया था लेकिन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ, ना कई वजूहत थी। उसके बाद 2008 के अंदर सांगड़ के आवाम नहीं बल्कि सांगड़ के बहुत सारे इलाकों के आवाम के लिए सस्ती मछली का बीज बनाने के लिए यहाँ पर हिचड़ी बनाई गई, जहाँ पर 5 से ज़्यादा जो अजला हैं जिनमें मीपो खास, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशहर उपरोस, टंडोला यार, मटियारी, उमरकोट समेत बहुत से अजरा के जो लोग जो शौकीन थे मछली पालने के हवाले से, और वो बहुत सारी मछली जो सिंध की है जिसमें कुरला भी है, माड़ू भी है, टैली भी है, गुलफाम भी था, सिल्वर कार्नर भी थी, और बहुत सारी मछली जो कि सस्ते दामों जहाँ पर जाने के 20 पैसे से लेके 50 पैसे में ये बीज जो था वो मिलना था और वो मछली जो थी इतनी वाफर मकदार में यहाँ पर सस्ती मिलती कि सांगड़ ही नहीं बल्कि सिंध के साथ साथ जो ज़िला मैंने आपको बताया जिस ज़िला के अंदर मछली का रेट इंतहाई कम होता। लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, पैसे हड़प कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना कोई पूछने वाला ना कोई, उसी हिसाब से सांगड़ के अंदर भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो बनाया गया जो कि 2008 में शुरू किया गया, उसको 2010 या 2012 में मुकम्मल होना था लेकिन वो जो 26 एकड़ के रकबे पर बनाए गए थे वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, लेकिन नया प्रोजेक्ट उस पर शुरू कर दिया गया। इस अजीब कहानी है, ना कोई इसका डायरेक्टर है, ना इसका कोई ठेकेदार है, ना इसका कोई ऑफिस है, ना इससे किसी से आप पूछ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुस ताबड़ो साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। सर जी वेलकम। मेरा नाम अब्दुस्सत्तार अबड़ू है, मैं डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज में यहाँ हूँ सांगड़ में, और मेरा ताल्लुक सांगड़ से ही है समझो।
मैं अभी यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो 2010 में जिस में फ्लड आई थी उसमें पूरा ख़त्म हो गया था, पूरा ही पूरा, इसमें पानी पानी भरा हुआ था। उसके बाद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी हम दूसरा प्रोग्राम यहाँ से बना रहे हैं प्रोजेक्ट, वो इंशाल्लाह जो है ना कुछ इसी महीने में मुकम्मल हो जाएगा, वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा अपड़ो साहब, इस जो अजीब कहानी है कि ज़ाहिर है जो एक जो आपका जो पुराना जो प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसीलिए कंप्लीट नहीं था, उसके जो ना ठेकेदार हैं जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर जो ना इंटीग्रेशन और नेब वालों का केस चल रहे हैं, इसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अभी तकरीबन जो ना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से उनके मतलब वो जो ना FIR कटी हुई है सारी उनकी। अच्छा तकरीबन 12 आदमी हैं, 12 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, 12 आदमी के ऊपर जो ना FIR कटी हुई है। अच्छा अपनों साहब, इस वक्त जो सूरतहाल जो नज़र आ रही है, जो देखने में जो आ रही है, वो ये है कि करोड़ों रुपये इस प्रोजेक्ट पे लगे और एक दिन भी फाल नहीं हो सका। फाल इसीलिए नहीं हो सका तो पानी पहले मेन मसाला था इसमें, पानी जो ना इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले नहीं दे रहे थे, पानी की वजह से ये फाल हो रहा है। पानी अगर मौजूद होता तो ये चल जाता। अच्छा अपड़ो साहब क्या कहेंगे कि पानी नहीं मिला, क्या डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ने कोशिश की मगर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हालांकि हमारे जो कागजात चीफ सेक्रेटरी तक वहाँ गए थे, चीफ मिनिस्टर के पास पड़े, अभी तक हमें पानी नहीं दिया। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, सोचा देख रहा हूँ कि अपड़ो साहब आप यहाँ पर क्लर्क भी नज़र आप आ रहे हैं, आप यहाँ पर पीओन भी आप नज़र आ रहे हैं, यहाँ का सारा काम आप कर रहे हैं। आप भी फ्रिज के अंदर की सोचा यह है कि उसी के अंदर आपने अलमारी बना रखी है और सारा काम आप अकेले वन मैन शो कर रहे हैं और सारे काम की भी निगरानी आप कर रहे हैं। बिजली नहीं है तो अलमारी में बनाएंगे क्या करेंगे, बिजली तो है ही नहीं, हमने देखी भी नहीं है तो बिजली यहाँ आती है या नहीं आती है, बिजली की ये सूरत हाल है। हमारे तो दुकान बाहर थे, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हर चीज़ लगी है, पेमेंट भी गवर्नमेंट करती है, बाद में बिजली नहीं आती। अपड़ो साहब ज़ाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, कौमी ख़जाना इसमें लगा गया और इसकी जो मॉनिटरिंग जो है वो आप कह रहे हैं कि उसका जो डिपार्टमेंट है उसका सांगठ से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ही आप नहीं ताल्लुक है, डिपार्टमेंट का ताल्लुक है। अभी जो हम ये बना रहे हैं इसमें जो परली साइड में वो हैंड ओवर हुआ था, ये हैंड ओवर नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ इस वजह से ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं उनके ऊपर जो ना FIR कटी हुए इसीलिए अभी। अच्छा जी अपड़ो साहब बड़े आप कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ स्टाफ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया गया जो कि यकीनी तौर पर करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। अभी हमने यहाँ स्टार्ट किया है बायोफ्लास में ये अभी सोलर लगेगा, सोलर के ऊपर जो ना ये हाँ बायोफ्लास चलेगा, इसमें मछली पालेंगे, इस पानी में इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे इसमें जो ना एरिटर पे चलेगी वो मछली पालेंगी, इसमें हमें फ़ायदा है जो ये सोलर अभी लग रहा है हमारे पास। नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका चला रही है और आप छोटे छोटे यहाँ पे तजर्बात कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि ये अजीब ज़माना अजीब कहानी अजीब मुल्क तो नहीं है? नहीं अजीब कहानी नहीं है, यहाँ हर चीज़ मतलब चलती रहेगी जो चलती रहेगा वक्त से, मतलब हमारा प्रोजेक्ट अभी जो स्टार्ट हुआ है ना ये इंशाल्लाह इसी महीने में वाइंड अप हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो अगले महीने में आप आएंगे हमारा वो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे आपके मॉनिटरिंग वाले यहाँ ऑफिसर हैं या आपके वो जो दीगर जो लोग हैं वो जो जो आपके बाला अफसरान हैं वो क्या कभी यहाँ पे विजिट पे आए? विजिट आते हैं क्या कहते हैं? बस वो कहते हैं हम क्या करें, हम करते हैं तो वो कुछ नहीं कह सकते, हमें इस पर हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, वो इंक्वायरी चल रही, जब तक इंक्वायरी ख़त्म हो ऊपर हाईकोर्ट में केस है चल रहा है। आपका कितने अफराद का स्टाफ है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 13 आदमी हैं। आते तो यहाँ पर अकेले मौजूद नहीं, नहीं सारे ये बैठे हैं हमारे, नहीं ये सारे स्टाफ हमारे ही। अच्छा हाँ सारे स्टाफ हमारे। अच्छा बाकी दो दिन हमारे जो ना क्लार्क जो है ना दो दिन यहाँ आता है, दो दिन शहीद बेनजीराबाद में, यहाँ हमारे पास दूसरा क्लार्क नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी मछली आप जो है वो रोहू यहाँ का बेस्ट है, जो कुरड़ा इसको कहते हैं सिंधी में कुरड़ो कहते हैं, रोहू है, रोहू जो यहाँ सांगड़ का आजकल नायाब भी नहीं है, आजकल हमने बीज डाला है डैम में, वाफर मकदार में है, मौजूद है।
नहीं डैम में तो आपने बीज कहाँ से लेकर जाके, आपके आपके पास अपने यहाँ डबल पे? एपी से, अच्छा डबल एपी से प्रोजेक्ट से वो हमने बीज डाला है। वहाँ से डाला, हाँ कितने मुद्दा में डाला है? तकरीबन 1 करोड़ के लिए लगभग। 1 करोड़ बीज का आपने डाला हाँ है, डाला है। लेकिन मार्केट में मच्छी तो नजर नहीं आ रही। नहीं मछली आ रही, मछली क्यों नहीं आ रही, मछली तो कहाँ से सच आ नहीं रही है, है। जब आपने इतना बीज डाल दिया हाँ मार्केट में वो तो अभी जो साइज छोटी है ना, जब बड़ी होगी ना, बड़ी होगी ना उसके बाद ना, इस अभी तो वक्त उसका जो मार्केट ना नहीं, आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं मार्केट का मछली का होना सही है या नहीं है? हाँ सही होना है, होना सही है। लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, हाँ छोटी नहीं होनी छोटी चाहिए, पे क्या कार्रवाई छोटी करना में जो है ना, छोटी जो है ना हमारे लिए नस्ल के लिए बड़ा मतलब जो तकलीफ दा है। है? अच्छा हाँ इसीलिए हम जो ना ये जो छोटी मछली हम मारने नहीं देते, इसीलिए मतलब 1 किलो से कम मछली यहाँ बेचने नहीं देते, 1 किलो के ऊपर जो मछली है ना वो बेचने लेकिन देते मार्केट हैं। में बिक रही है। मार्केट नहीं, छोटी नहीं मछली, वह यहाँ की नहीं आ रही, छठा की हैदराबाद से आ रही है, यहाँ की नहीं आ रही। कौन मेंटेन करेगा उसको, मेंटेन हम करेंगे, कब करते हैं, हम करते हैं, हमारी फील्ड है, फील्ड क्या में जाता है, क्या हमारा इंस्पेक्टर जाता है क्या जुर्माना करते हैं? और जुर्माना करता है। अभी भी जुर्माना 10,000 करके, 14,500 करके आया है। अच्छा हाँ मुकमुकाद नहीं होता, मुन्ने मुकमुका नहीं होता, मुकमुकाद नहीं अच्छा जहर है। क्या भी आप जो नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक माह तक वो कंप्लीट हो जाएगा, हाँ इंशाल्लाह। कितनी लागत का होगा, ये जी कितनी लागत से बना रहे ये हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन कितनी बताएगा लागत ये? है, ये हमारे डायरेक्टर और डीजी बताएंगे। डीजी का नंबर दें, हम डीजी से बात हाँ करेंगे। वो बता देते हैं हम ठीक तुरंत है, बाद। ठीक है कितने लागत, कब तक इसका इब्तदा होगा? इंशाल्लाह इसी महीने में हो जाएगा इसी महीने में? इंशाल्लाह। क्या आपके मिनिस्टर ने कभी आपसे इस प्रोजेक्ट पे ब्रीफिंग ली भी है? दी है क्या कहा तो आपने, उन्होंने कहा हम ये खुद देखने आएंगे, कब आएंगे वो देखने? आएंगे आप देखेंगे, आपको हम दावत भी देंगे। 5 साल तक आ जाएंगे? नहीं नहीं इसी महीने में इंशाल्लाह। कौन है आपका मिनिस्टर? मिनिस्टर बारी प्रतापी, हैं अब्दुल बारी प्रतापी मुताफी साहब आपके जो हैं जी। वो हाँ मिनिस्टर हैं? जी अच्छा वो आएंगे यहाँ पे, और वो मुताफी साहब। जी जी अच्छा ये सारी सूरत ये हाल है हमारा कि लाइफ स्टॉक हाँ और फिशरीज का है मिनिस्टर, ये बहुत सुलझा आदमी है और बहुत अच्छा है आदमी, टैलेंट है इसके ऊपर। अच्छा उसके लिए क्या हिजरी जो बना रहे हैं उसके लिए नया स्टाफ होगा या ये जो नहीं नहीं आपने? यही स्टाफ होगा उसमें, डब कुछ प्रोजेक्ट के आदमी हमने रखे हैं, 4 आदमी रखे हैं प्रोजेक्ट में, जो अच्छा डबल एपी की तरफ से 4 आदमी है, चौकीदार है, स्वीपर है और एक दूसरा है, एक हेल्पर है। कितना देर जो डेली बेसिस पे कितनी जो यहाँ पे बीज जो है लोगों को देंगे, जिससे सांगड़ और जितने जिला आपने बताए हैं उन जिला के लोगों को अगर क्या हम पता होगा? निकालेंगे ना तकरीबन हम जो 10-10 हज़ार हर एक जो 15-20 हज़ार ले ले, 50 हज़ार ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। डेली बेसिस हाँ पे, डेली बेसिस पे, और क्योंकि डेली बेसिस पे अब नया बीज डालेंगे। एक मछली अगर किलो की होगी तो 1 लाख बीज देगा, 1 किलो की मछली होगी तो वह 1 बीज जो ना उसके दाने मतलब बीज आएगा वो 1 लाख, अगर 2 किलो के अंदर 2 लाख 2.5 लाख देगी। कितने एक अपने जो अपना हाउस जो बनाए हैं, हाँ एक हाउस के अंदर आप कितने मच्छी छोड़ेंगे? 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, उसमें लीटर रख सकते हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर एक हाउस में, जो हमारा सर्कुलर टैंक चल रहा है, जो सर्कुलर टैंक है उसमें सर्कुलर टैंक में जो है ना हम तकरीबन 72 घंटे तक वहाँ रखेंगे, उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे तालाब में। अब्दुस्सत्तार अबड़ो साहब जो कि यहाँ पे वन मैन शो नहीं कहा जा सकता कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका स्टाफ है जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है कि ये प्रोजेक्ट चले सांगड़ ही नहीं बल्कि सिंध के वो तमाम अजला के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सस्ती बीज मिले। इनका ये भी दावा है कि तो उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा जो मच्छी के जो बीज है वो डैम में छोड़ा है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मछली यहाँ पे होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा जो मछली होगी। इनका ये भी कहना है कि 2 मच्छी छोड़ने से यहाँ पर जो 2 लाख से ज़्यादा बीज जो है वो डेली बेसिस पे जो यहाँ पे वो हासिल करेंगे, जो कि यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मच्छी जो है उसका रेट कम होगा। लेकिन फिर बात वही पे है कि क्या यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर कौमी खजाने को इसी तरह से लूटा जाएगा? क्या इसकी इंक्वायरी होगी नहीं होगी, या नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, पुराने प्रोजेक्टों पर बनने वाले पैसे जो हैं वो हड़प करने के बाद खाली इंक्वायरी तक रहेंगे? दूसरे समझ क्या अगर पीपल्स पार्टी और तमाम लोग जो चाहते हैं कि कौमी खजाने को जहाँ पे लूट मार से बचाया जाए, तो जरूरत से समझ के सिंध के आवाम के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनको तक पाए तक मिल तक पहुँचाया जाए। अगले प्रोग्राम पर आपके लिए इस वक्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।